जलंधर में हुए सारथी सम्मेलन में जहां कुछ ड्राइवरों को अपने दिन बदलने की उम्मीद जगी, वहीं कुछ चालकों को इसमें कुछ खास नजर नहीं आया। आइए सुनते हैं चालकों का क्या कहना था इस संबंध में। आइए बात करते हैं कुछ ड्राइवर से, कुछ एसोसिएशन के लोगों से, और जानते हैं कि आज जो सारथी सम्मेलन हुआ इसमें उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या उम्मीदें थी, और जो लोग यहाँ पर आए, जो उनको आश्वासन दिया गया, क्या उससे वो खुश हैं या ये सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह उनको लग रहा है। ये हमारे साथ है कुछ ड्राइवर बंधु। सर आपका नाम, आपका नाम क्या है? सुधाकर सिंह। सुधाकर जी, सम्मेलन हुआ इसमें क्या लगता है आपको, खुश हैं आप? सर खुशी तो कभी मिल नहीं सकती सम्मेलन में हमारे को, लेकिन जो काम के लिए आए थे वो काम तो हमारा हुआ ही नहीं है। किस काम के लिए? हमारा राष्ट्रीय फेडरेशन का मकसद था, जो जिसकी मीटिंग सम्मेलन में जो आप बुलाए गए, आप सम्मेलन से क्या लगता है जो यहाँ पे बताया गया चालकों के लिए वो पूरा होगा या फिर एक हवाई लगती है बातें? पूरा तो होगा, लेकिन पूरा करने के लिए तो आए हैं हम लोग। पूरा करने के लिए आए जी। उम्मीद तो नहीं जगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम इसको कैसे भी करके। उम्मीद तो नहीं जगी, लेकिन कोशिश करेंगे ड्राइवर्स बंद हुई कि उनकी समस्याओं को। शैलेश पाठक, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हूँ। जैसे कि मैंने आज सारथी महासम्मेलन में आया, बहुत ही उम्मीद लेकर के आया और बहुत ही आशा लेकर के आया। मैं इस एसोसिएशन और यूनियन की जागरूकता पिछले 1.5-2 साल से कर रहा हूँ। हर एक ड्राइवर भाइयों को मैं यह बता रहा हूँ कि दोस्तों, हमारा एक जागरूकता जो बन रही है और हमारे हित के लिए कार्य हो रहा है, तो आज 2 साल से हमारे ड्राइवर भाई इस प्रकार से बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं और उनका कोई भी उपदेश और कोई भी निर्देश नहीं निकल रहा है, जिससे इस बात से मैं बहुत ही दुखित हूँ। और मैं ये उम्मीद लेके आया था कि आज जो यहाँ पर हम लोग उपस्थित हो रहे हैं, आज हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, पूरा भारत में कई बार, 3री बार मैं महासम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हो चुका हूँ। 1 बार जालंधर में, 2री बार दिल्ली, उसके बाद भी दिल्ली में 3 बार तमाम यूनियन जो वहां पे एक हुआ। मैं सम्मेलन से खुश नहीं हूं, क्योंकि हमारी कोई बात ऐसी नहीं हुई। समस्या लगती चालू क्या? यही है, जो रोड पे हमको दिक्कतें आती हैं, जो हमारा जो रेंट है, जो हमको पे नहीं होता अच्छे से, ऐसी वैसी बहुत प्रॉब्लम्स है जो अभी उन्होंने बात की। चलो आगे लेके जाएंगे, चलो हम तो एक संघर्ष कर सकते हैं, बाकी तो ऊपर है ना। और मांगे पूरी करें और कुछ नहीं करना। चलिए, इनका कहना है कि मांगे पूरी करें। हमारे साथ और भी कुछ चालक बंधु हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या लगता है इनको कि जो डिमांड्स और जो ये लोग चाहते हैं वो इनकी पूरी। हमारे साथ और चालक बात कर रहे हैं। सर क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप ठाकुर है और मैं दिल्ली से आया हूँ, और मैं कमर्शियल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ। और जैसा आज जो भी अभी हुआ है, समारोह हुआ है और चल भी रहा है, इसमें जो धर्मवीर गांधी जी ने जो बोला है, इस चीज़ को देखते हुए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ड्राइवरों के जो मुद्दे हैं और ड्राइवरों की जो मांगे हैं वो संसद में पहले भी उन्होंने उठाई हैं और आगे भी उठाएंगे, तो शायद ऐसा होगा। क्योंकि जब तक ये पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, क्योंकि आश्वासन तो पहले भी बहुत मिल चुके हैं, हमें पहले भी काफ़ी आश्वासन मिले हैं, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम किसी भी कुछ भी कहने के मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल पूरा हो ही जाएगा। हाँ, वेट करेंगे और देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है और आगे हमारी क्या रणनीति होगी इन सब मुद्दों पे। 99% चांस है कि अभी तक हम लोग इकट्ठे नहीं थे, अभी सारथी सम्मेलन के एक प्लेटफॉर्म मिल गया हमें, तो हम लोग कोशिश करेंगे, मिलेगी 100% मिलेगी। जो इन्होंने आज इकट्ठे किया, आज तक इतना इकट्ठ कभी नहीं हुआ, जो लहर जो चला रहे हैं, जो जरूर कामयाब होगी, पूरी उम्मीद है हमें। होगी, जरूर होगी। चालकों की मांगे क्या है अभी और मुख्य समस्या क्या लगती है? चालकों की मुख्य मांग तो है, एक तो बीमा योजना है, जो भी कोई ड्राइवर भाई कहीं दुर्घटना से उसकी डेथ हो जाती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, उसके बच्चे रुल जाते हैं, उसके कोई नहीं पूछता, ना उसका कोई मार्ग पूछता, ना सरकार पूछती है। और लड़ते रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा हम रोड पर आएंगे। ठीक है जी, मिलेगा, जरूर मिलेगा, हक हमको मिलेगा, हम लेकर रहेंगे। आदमपुर से। सबसे ज्यादा डिमांड यही है कि जो तेल का रेट बढ़ रहा है, हाँ, उसको कम किया जाए और ड्राइवर को इस बात सुनी जाए। तेल का रेट कम किया जाए और ड्राइवर्स की बात। भाई बहुत परेशानी है, तेल महंगा, टैक्स इन्ने, हाँ, तो बहुत औखा है। तेल महंगा और टैक्स महंगे हैं। नेचुरल से बात है, देखिए स्पष्ट नीति बनेगी और इस पहल से जो है स्पष्ट नीति अगर सरकार बनाएगी, आज एक सांसद भी आए थे और बात इन्होंने संसद में भी उठाई थी और यहाँ भी उन्होंने बात कही, तो जब तक चालकों के लिए स्पष्ट नीति नहीं बनेगी तो ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, तभी
जो है सरकार तक हमारी आवाज पहुंचेगी और मुझे लगता है हमें जबरदस्त सफलता मिलेगी, चाहे चालक हो, चाहे मालक हो, चाहे रोड टैक्स हो, चाहे टैक्सी हो, कुछ भी हो। तो इस तरह के सम्मेलन से हमें बहुत उम्मीद है कि हमें जो है सफलता मिलेगी। जो सांसद ने आपको सपोर्ट किया यहाँ पर, उन्हीं की पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में सत्ता में, चालकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी को सत्ता में बैठा, लेकिन दिल्ली के चालकों की समस्या जस की तस है। वहाँ पर भी जो परमिट की समस्या है, टैक्सीज की समस्या है, चालकों की समस्या वैसी, उसी पार्टी के सांसद जो यहाँ पर सत्ता में नहीं है आपको आश्वासन दे के गए हैं, क्या आपको लगता है उनका आश्वासन आप लोगों को काम करेगा? देखो जो धर्मवीर गांधी जी साढ़े कह के गए हैं, सानू उन्होंने लगता है कि वह करन, क्योंकि अज जो सत्संग होंदे आया भी साड़ी उन्होंने आवाज सत्संग दे विच उठाई, और जेकर साडा अज गल सुन लैणगे, असीं तां मोदी सरकार से भी गुहार करते हैं कि जेकर वह बात सुनगे तो असी उन्होंने नाल, नहीं तो इस बारी असी ड्राइवर जिन्ना भी साडा ड्राइवर भाई है इस बारी साडी कोई पार्टी नहीं, जो साडा काम करनगे असी उन्होंने नाल चलांगे। सर इसलिए उठता है क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी पहले से सरकार है उनकी, दिल्ली में सरकार है वो, पर जो केजरीवाल है ना उससे उससे बाकी हुए हुए हैं, उन्हें धर्मवीर गांधी जी ने उसको छोड़ा ही इसलिए है को उसने जो काम जो बोले थे जो वादे किए थे वो उसने पूरे नहीं किए। जे दिल्ली के साढ़े सारथी भाइयों के साथ पूरे नहीं किए तो हमारे साथ कैसे।